हरे मटर और आलू की सब्जी हम बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये रेसिपी थोड़ी सी अलग है और बहुत ही स्वादिष्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है मटर का निमोना, जो कि नॉर्थ इंडिया का पॉपुलर रेसिपी है। सर्दियों के मौसम में इसे ज़रूर बनाया जाता है, क्योंकि मटर इस समय सीजन में रहते हैं। ये रेसिपी बहुत ही कम मसालों में तैयार हो जाती है और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होती है। इस रेसिपी को पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। ऐसा करने से आपको चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये विंटर स्पेशल रेसिपी है और मटर आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें फ्रेश मटर चाहिए। यहां मैंने 1 कप मटर लिया है। इसे हमें कोर्सली ग्राइंड करना है, तो चलिए इसे जार में डाल देते हैं। यहां पर मैंने थोड़े से मटर को अलग से रख लिया है, इसे हम बाद में सब्जी में डालेंगे। इसे हम डाल देंगे जार में, साथ में डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन। इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी जरूर डालें, मैं यहां पर नहीं डाल रही हूं। इसे 2-3 पल्स देने से ही ये ग्राइंड हो जाता है। आप देख सकते हैं इसे कोर्सली ग्राइंड किया है मैंने। आप चाहें तो धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट अलग से भी बना सकते हैं। चलिए इसे एक साइड में रख देते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है, यहां पर मैंने आलू को कट करके रखा है, वो इसमें डाल देंगे। यहां मैंने 2 मीडियम साइज आलू लिया है। इसे हमें फ्राई करना है जब तक आलू के ऊपर गोल्डन लेयर नहीं आ जाती। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आलू को शेलो फ्राई करते हुए हाफ कुक कर लेना है। आलू को फ्राई करते समय फ्लेम को मीडियम पे रखिए और इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करें। आलू को फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लग जाएगा। इसे पलटाते हुए फ्राई करें। आप देख सकते हैं आलू का कलर गोल्डन हो चुका है। इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। आलू को निकालने के बाद जो तेल रह जाता है, उसी में हम मटर को भी फ्राई करेंगे। तो आलू को हमने यहाँ पर पूरा निकाल लिया है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, साथ में इसमें डाल देंगे हींग और ग्राइंड किया हुआ मटर। मटर को फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लग जाता है। इतनी देर में मटर अच्छे से फ्राई हो जाता है और इसका कच्चापन निकल जाता है। कंटिन्यूसली चलाते हुए मटर को 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। जैसे ही मटर फ्राई हो जाता है, इसे हम दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। मटर को फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो गया। आप देख सकते हैं मटर अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसे हम शिफ्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम सब्जी तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और थोड़े गरम मसाले। इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें धनिया, मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट हम डाल सकते हैं टमाटर से पहले, और फ्राई कर लेंगे उसे थोड़ी देर। टमाटर में हमने थोड़ा नमक डाला है और हल्दी डाला है, साथ में हम थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल देंगे। बस इतना ही मसाला इसमें जाएगा, इसमें ज़्यादा मसाला हम डालेंगे नहीं।
टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। जैसे ही टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, इसमें हम डाल देंगे मटर जो हमने फ्राई करके रखा था, और इसमें डाल देंगे पानी। ये करी थोड़ा सूपी बनता है, इसलिए पानी मैं यहां पर 1.5 कप ले रही हूं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ आलू। यहां पर आप नमक चेक कर लीजिए और डाल दीजिए, और इसे कवर करके हम 5 से 6 मिनट तक कुक करेंगे। 6 मिनट कुक करने के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। अभी आलू 80% डन हो गया है। इस स्टेज में हम डाल देंगे मटर जो हमने अलग निकाल के रखा था। मटर डालने के बाद करी को 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। इतने में मटर अच्छे से कुक हो जाएगा और ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। इसे कवर करके कुक कर लेते हैं। 4 मिनट के बाद करी तैयार है। सबसे आखिर में हम इसमें अदरक के लच्छे डाल देंगे और कवर करके छोड़ देंगे। गैस को भी बंद कर देंगे। स्वादिष्ट मटर का निमोना तैयार है। इसे सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। हमारी विंटर स्पेशल रेसिपी मटर निमोना की सब्जी बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आप भी इस ठंडी के सीजन में ये रेसिपी जरूर बनाइए और गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें रोटी के साथ या राइस के साथ। मटर का निमोना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और आप लोग इसे जरूर ट्राई करें अपने किचन में। जिस तरह से हमने हरे मटर का निमोना बनाया है, उसी तरह से हरे चने का निमोना भी बनता है। मेथड सेम रहेगा। हरे चने का निमोना भी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और सर्दियों में हरा चना भी इजीली मिल जाता है। अगर आपको हरा चना मिल जाता है तो आप लोग उस रेसिपी को भी जरूर ट्राई करें और मुझे जरूर बताइए कि कैसा बना। आशा है आपको आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और भी रेसिपीज के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ कुकिंग विद गिरजा में। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।